DSE 3 की पहली चैप्टर थी इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जिसमें हमने समझा था इंडिया अपने सिटीजन की नीड को फुलफिल करने के लिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए बाकी सारे कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करता है। हम समझेंगे इंडिया क्या है, देन हम जानेंगे यूएसए क्या है, उसके बाद हम उनके रिलेशन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इंडिया फास्ट डेवलपिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में जितने भी सारे कंट्रीज है सबसे ज्यादा अगर कोई डेवलप हो रहा है तो दैट इज आवर इंडिया। द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया। इट इज द पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ी आबादी वाला देश है इंडिया विद 1.42 बिलियन पीपल। इंडिया बिकेम अ सोवरेन एंड इंडिपेंडेंट कंट्री 1947। हमारे भारत को आजादी कब मिली थी, 1947 में। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, स्टिल इट्स इंपैक्ट कैन बी सीन इन ऑल द एरियाज एंड इवेंट्स इन द वर्ल्ड। इंडिया का जो इम्पैक्ट है वो हर जगह, हर एक इवेंट हो गया, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में दिख जाता है। इंडिया अब एक सुपर पावर बन रहा है धीरे धीरे। इंडिया मैन पावर, मार्केट, मिडिल क्लास फैमिली, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ अट्रैक्ट अदर नेशंस। इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली बहुत सारे हैं, तो दैट्स वाई मिडिल क्लास फैमिली को जो जो प्रोडक्ट चाहिए वो बाकी सारे देश इधर आके कंपनी खोल के उनको देते हैं, तो उनका प्रॉफिट होता है, इंडिया का भी प्रॉफिट होता है उसमें, ठीक है। देन रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही फास्टली ग्रो कर रहा है, हमने वो पहले ही सेंटेंस में समझा था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बाकी सारे कंट्रीज़ को अट्रैक्ट करती है कि वो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन रखे, ताकि इंडिया के साथ साथ उनकी भी डेवलपमेंट हो। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कॉमनली नोन एज अमेरिका, द मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इट गॉट इंडिपेंडेंस इन 1776। अमेरिका जो है वो दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है, ठीक है। इट हैज स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी, ब्रिलियंट पीपल, इसके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी है, हाई टेक्नोलॉजी, सक्सेसफुल स्पेस मिशन, इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इट इन्फ्लुएंस द होल वर्ल्ड। तो ये भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एंड ये जो कंट्री है यूएसए वो बाकी सारे कंट्री को अफेक्ट करती है, सबके ऊपर ये अपना प्रभाव डालती है, ठीक है। इंडो यूएसए रिलेशन हैज सीन मेनी अप्स एंड डाउन्स, इंडिया एंड अमेरिका के बीच में संबंध हमेशा से अच्छे नहीं रहे, ठीक है। कभी बहुत अच्छा रहा तो कभी बहुत ही बुरा रहा, ठीक। कभी कभी एक दूसरे को वो सपोर्ट करते हैं तो कभी कभी दूर भी जाते हैं, ठीक है। तो जो रिलेशन इंडिया एंड यूएसए के बीच में, उसने कई सारे अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं। इट वॉज डिटेरियोरेटेड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, इंडिया को जिस समय आज़ादी मिली थी तब कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा था। इंडिया एंड अमेरिका के बीच में जो रिलेशन था वो इतना भी अच्छा नहीं था, ठीक है। बट वेन इन 1991 इंडिया अडॉप्टेड न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, उसके बाद से जब इंडिया ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को अपनी इकोनॉमी में ऐड करा, उसके बाद देन बोथ द कंट्रीज केम क्लोजर टू ईच अदर एंड सपोर्टेड ईच अदर, ठीक है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद इंडिया एंड यूएसए के बीच में जो रिलेशन थी वो धीरे धीरे बहुत ही अच्छी होने लगी। कोल्ड वॉर चल रहा था उसी समय इंडिया को आजादी मिली थी। एट दैट टाइम इंडिया वॉज स्ट्रगलिंग इन इंटरनल प्रॉब्लम, इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इधर सब कुछ खोखला कर दिया था, कुछ भी नहीं था, लोगों को खाने के लिए भी नहीं मिलता था। तो इंडिया के पास बहुत सारी प्रॉब्लम थी। इंडिया नहीं चाहता था कि जो रशिया और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें वो फंस जाए, ठीक है, क्योंकि अगर वो किसी एक के साइड में जाएगा तो दूसरे का वो शिकार बनेगा। एंड वॉज ट्राइंग टू डेवलप इट सिचुएशन, इंडिया ट्राई कर रहा था कि वो अपनी खुद की सिचुएशन को कैसे सुधारे, कैसे डेवलपमेंट। बट ड्यूरिंग दैट टाइम द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, वर्ल्ड पूरी दो हिस्सों में विभाग हो गई थी। द फर्स्ट वन इज वर्ल्ड वन, जिसमें थे यूएसए एंड उसके सारे फ्रेंड्स में जो कंट्री यूएसए को सपोर्ट करते थे, एंड यूएसए सब थे एक पार्ट में, जिसको बोला जाता था वर्ल्ड वन। एंड यूएसएसआर मीन्स रसिया और उसको जो सारी कंट्री सपोर्ट करा करते थे उन सबको बोला जाता था वर्ल्ड टू। सो ऑल द न्यू बॉर्न कंट्रीज में जो कंट्री अभी नए नए उभर के आए हैं, जिनको अभी अभी आज़ादी मिली है, लाइक इंडिया एंड अफ्रीका के कुछ कंट्री, उन सब ने बोला कि हमारी कंडीशन अब तो बहुत ही ख़राब है, और अगर हम इस कोल्ड वॉर में चले जाते हैं, अगर हम वर्ल्ड वन या फिर टू का हिस्सा बन जाते हैं, तो हमारी जो सिचुएशन है वो और भी खराब हो जाएगी। दैट्स वाई द न्यू बॉर्न कंट्रीज डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम कोल्ड वॉर एंड टू डेवलप देयर ओन सिचुएशन। दैट्स वाई इंडिया ने जैसे सोचा था कि मैं इस कोल्ड वॉर में नहीं घुसूंगा एंड अपनी जो सिचुएशन है मैं उसको डेवलप करूंगा, वैसे ही न्यू बॉर्न कंट्रीज ने सोचा कि हम अपनी जो सिचुएशन है हम उसमें डेवलपमेंट लाएंगे और हम इस कोल्ड वॉर से दूर रहेंगे। ऑल कंट्रीज केम टुगेदर एंड फॉर्म वर्ल्ड थ्री, तो बाकी सारे जो न्यू बॉर्न कंट्रीज थे वो सब एक साथ आ गए एंड उन्होंने वर्ल्ड थ्री या फिर थर्ड वर्ल्ड की क्रिएशन करा। एंड ये जो थर्ड वर्ल्ड की जो कंट्रीज थी उन सभी ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट
स्टार्ट किया, ठीक है। इसका मतलब था ना हम यूएसएसआर के सपोर्ट में हैं ना हम यूएसए के सपोर्ट में हैं, हम एक अलग दुनिया है, आप अपने बीच में झगड़ते रहे, हम अपने डेवलपमेंट करेंगे, हमें नहीं घुसना आपकी कोल्ड वॉर में, ठीक। कोल्ड वॉर कंट्री स्टार्टेड अ मूवमेंट कॉल्ड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इंडिया वॉज वन ऑफ देम, बट एवरी कंट्री न्यू दैट इट वॉज स्लाइटली इंक्लाइन टुवर्ड्स सोवियत यूनियन। तो भले ही इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाया, लेकिन कहीं ना कहीं सभी कंट्रीज को पता था वो यूएसएसआर के सपोर्ट में है, ठीक है। इंडिया ने यूएसएसआर को बहुत ही सपोर्ट करा एंड उसी की वजह से ही आज तक इंडिया एंड रशिया के बीच में बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज डिपेंडिंग ऑन यूएसए एंड यूएसएसआर फॉर फूड बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज, एंड हमारे पास ना ही कोई इंडस्ट्री था ना ही कोई रिसोर्सेज था जिससे हम यूज करके एकदम से कुछ कर सकते थे या फिर डेवलपमेंट ला सकते थे। दैट्स वाई इंडिया को थोड़ा टाइम लगा एडजस्ट करने में, एंड उसी टाइम में इंडिया फूड यूएसए के ऊपर एंड यूएसएसआर के ऊपर डिपेंड करता था। इंडिया एंड चाइना के रिलेशन को इंडो साइनो या फिर साइनो इंडियन बोला जाता था, ज्यादातर इसको साइनो इंडियन ही बोला जाता है। तो इंडिया एंड चाइना के बीच में जो बहुत ही बड़ी वाली वॉर हुई थी, जो युद्ध हुआ था 1962 में, उसमें यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर जेफ केनेडी, उन्होंने खुलकर इंडिया को ही सपोर्ट करा था, क्योंकि ऑब्वियसली चाइना भी बहुत ही तेजी से डेवलप हो रहा है एंड यूएसए नहीं चाहता कि चाइना एक सुपर पावर बन जाए, ठीक है। दैट्स वाई यूएसए ने क्या करा कि इंडिया को सपोर्ट करा उस युद्ध में एंड इंडिया को बहुत सारे जो युद्ध के वेपन है, अस्त्र शस्त्र, वो सब प्रोवाइड कर दिए उन्होंने। लेकिन इसके बाद जो स्थिति है वो बदल जाएगी। 1965 इंडो पाक वॉर, यूएसए सपोर्टेड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, तो यूएसए ने क्या करा कि उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। भले ही इंडिया ने बोला था कि वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में है जिसमें कि वो ना ही यूएसएसआर के सपोर्ट में है ना ही यूएसए, लेकिन वो अंदर ही अंदर में यूएसएसआर को या फिर रशिया को सपोर्ट करता था। दैट्स वाई यूएसए ने क्या करा कि उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया वॉर में, और पाकिस्तान को जितने सारे वेपन है वो सारे सप्लाई किए। 1971 इंडो पाक वॉर, यूएसए सपोर्टेड पाकिस्तान, और उसके बाद भी जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में 1971 में जो युद्ध हुआ, उसी टाइम पे भी अमेरिका ने सपोर्ट किया पाकिस्तान। 1974 इंडिया टेस्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन, इंडिया ने क्या करा कि उसने पहली जो न्यूक्लियर वेपन थी टेस्ट करी पोखरान में 1974 में, एंड यूएसए ने इसको अपोज किया एंड यूएसए ने इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाए, ठीक है, ऑन एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। यूएसए से इंडिया को जो मटेरियल आ रहे थे उन सभी के एक्सपोर्ट भी बंद करवा दी गई। आफ्टर इन 1980 रिलेशन बिकेम बेटर एंड यूएसए स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग मिलिट्री थिंग्स। यूएसए एंड इंडिया के बीच में रिलेशन अच्छी होने लगी एंड यूएसए ने इंडिया को एक्सपोर्ट करना शुरू किया। बट अगेन इन 1998 इंडिया ने अपनी दूसरी न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्ट कर एंड यूएसए के खिलाफ हो गया एंड उसने इंडिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए, बहुत सारी चीज़ों की एक्सपोर्ट बंद कर दी गई, ठीक है। बट इन 2001 इंडो यूएसए रिलेशन टुक यू टर्न एंड गॉट बेटर। 2001 के बाद यूएसए एंड इंडिया के बीच में जो रिलेशन पहले खराब हुआ करता था, अब से वो एक अच्छी दिशा में आ गई। क्यों? क्योंकि 2001 में यूएसए के ऊपर टेररिस्ट की अटैक हुई जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की, लोगों की लाइफ्स की, प्रॉपर्टी की बहुत ही लॉस हो गई एंड यूएसए को पता चला कि इंडिया पहले से ही टेररिज्म के खिलाफ है। दैट्स वाई यूएसए ने इंडिया के साथ मिलकर के टेररिज्म को हटाने के लिए प्रयास करा। द डेडलीस्ट टेररिस्ट अटैक ऑन यूएसए सॉइल इन 2001 चेंज्ड यूएसए माइंडसेट फॉर इंडिया। तो यूएसए को ऐसा लगा कि जितना भी हम चाहे डेवलपमेंट कर ले, अगर एक टेररिस्ट अटैक हो जाए कुछ ही पल में सब कुछ तहस नहस हो जाता है। दैट्स वाई टेररिस्ट को हटाना एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है एंड इंडिया के साथ मिलकर ये बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। इट किल्ड नियरली 3000 पीपल इन यूएसए। तो यूएसए में 3000 लोगों की मौत हो गई उस दिन। यूएसए फेस्ड वास्ट लॉस ऑफ लाइफ्स एंड प्रॉपर्टीज। इंडिया वाज ऑलवेज अगेंस्ट टेररिज्म, दैट्स व्हाई यूएसए स्टार्टेड सपोर्टिंग इंडिया। यूएसए को पता था कि इंडिया हमेशा आतंकवाद के विरोध है, दैट्स व्हाई यूएसए ने इंडिया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। Both countries worked for climate change, preventing terrorism, and to counter China's influence in the world. So climate change, which is a very big problem nowadays, environment है तो ही हम रह सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंज को कैसे हम सुधारें, कैसे हमारी जो एनवायरनमेंट है हम वो प्रोटेक्ट करें, उसमें दोनों देश मिलकर काम करते हैं। टेररिज्म को प्रिवेंट करने के लिए कैसे उसको मिटाया जाए, कैसे उसको काउंटर करा जाए एंड चाइना की जो इन्फ्लुएंस है उसको कैसे दबाया जाए, क्योंकि चाइना इंडिया के लिए जितनी बड़ी प्रॉब्लम है यूएसए के लिए भी उतनी बड़ी प्रॉब्लम है। दैट्स वाई दोनों कंट्री मिलकर चाइना की जो इन्फ्लुएंस है उसको कम करने की सोचते हैं। इन 2008 इंडिया एंड यूएसए साइंड द एग्रीमेंट ऑन पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ये बहुत ही एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट है, क्योंकि जो यूएसए पहले इंडिया को न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करने के लिए सैंक्शन लगाया करता था, अब वही आके एक एग्रीमेंट साइन कर रहा है कि हम लोग मिलकर पीसफुली यूज करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी को एंड
एक दूसरे को कोऑपरेट भी करेंगे। एग्रीमेंट को 1-2-3 एग्रीमेंट भी बोला जाता था। आफ्टर 1991 न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, इंट्रोडक्शन ऑफ एलपीजी विच इज लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन इन इंडियन अट्रैक्टेड वेरियस कंट्रीज टुवर्ड्स इंडिया एंड यूएसए वाज वन ऑफ देम। डेवलपमेंट सबको चाहिए, पैसा सबको चाहिए, तो पैसे के लिए दोनों कंट्री के बीच में रिलेशन अच्छी हुई, क्योंकि यूएसए को इंडिया में अपनी मार्केट खोलनी थी, बिजनेस करना था। बोथ कंट्रीज आर कोऑपरेटिंग ईच अदर इन डिफेंस, एनर्जी एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स। यूएसए इज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड इंडिया इज एक्सपोर्टिंग सीरियल, फ्लावर, स्टार्च, मिल्क, वेजिटेबल्स टू यूएसए। जैसे यूएसए एक्सपोर्ट करता है चीजें, वैसे इंडिया भी यूएसए के लिए बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है। नासा एंड इसरो आर वर्किंग टुगेदर, तो जो यूएसए की स्पेस एजेंसी है नासा एंड इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, दोनों मिलकर बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम भी कर रहे हैं। इंडियंस आर एम्प्लॉयड इन यूएसए, पीपल ऑफन से टेक्नोलॉजी ऑफ यूएसए एंड मैन पावर ऑफ इंडिया आर ए परफेक्ट मैच। तो जो यूएसए की टेक्नोलॉजी है एंड जो इंडिया के मैन पावर है, जो स्किल्ड पीपल है इंडिया के, दोनों एक परफेक्ट मैच है एक दूसरे के लिए। एंड बहुत सारे जो कंपनी के हेड सीईओ है वो ज्यादातर इंडियन से। प्रेसिडेंट बाराक ओबामा मेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट यूएसए प्रेसिडेंट टू अटेंड इंडियाज रिपब्लिक डे पैरेड एज अ चीफ गेस्ट, विच इज अ वेरी बिग थिंग फॉर इंडिया एंड फॉर यूएसए ऑल्सो, जो कि बहुत ही बड़ी बात थी दोनों देशों की रिलेशन को अच्छा बनाने के लिए। यूएसए इज सपोर्टिंग टू इंडिया फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर है, उनके साथ साथ इंडिया को भी परमानेंट सीट एक मिलनी चाहिए, इंडिया भी यूएनएससी का एक परमानेंट मेंबर होना चाहिए एंड इस बात को यूएसए भी सपोर्ट करता है।